हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज 5 अगस्त 2024 और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस, रेलवे, SSC इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उनसे पहले एक बार करेंगे जो भी हमने कल पढ़ा था उसका क्या क्विक रिवीजन, और उसका क्विक रिवीजन जरूरी है क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। तो हम जैसे बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली में संपन्न हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कितने विरासत स्थल जोड़े गए, 24 विरासत स्थल जोड़े गए हैं। इसके अलावा भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। इसके अलावा जैसे बात कर लेते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता है, तो जो 2024 के पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं उसके अंदर जो पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत के लिए तीसरा जो स्वर्ण पदक जीता है, यह कह सकते हैं पदक जीता है, वो जीता है स्वपिनल कुसाल के द्वारा, कुसाले के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बन चुका है, तो वो बन चुका है कौन सा, कश्मीर। कौन सा शहर बन चुका है? कश्मीर, जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पा चुका है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024, कौन सा अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा इंडिया, ठीक है। इसके अलावा रेपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है, तो ये तीसरा यूनिकॉर्न बना है भारत का कौन, रेपिडो। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो वो क्या है, विकास लखेरा। किसके द्वारा? विकास लखेरा के द्वारा यहाँ पे असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन चुके हैं। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिए हैं, तो वो लिए गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है साधना सक्सेना नायर को। किसे? साधना सक्सेना नायर को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, किसके लिए? चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है, तो वो की गई है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के ऊपर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर ए क्या है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर, कौन सा ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है 8वीं। कौन सी है? भारत की रैंक है 8वीं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 8वीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप मार्क लगा लीजिए, भारत की रैंक है 8वीं, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे हम बात करें विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा है। इसके अलावा 2022 में बात करें तो 55 बिलियन डॉलर से घटकर 51 बिलियन डॉलर हो गया है भारत का यहाँ पे निर्यात। इसके अलावा ये स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है। देखिए अब महत्वपूर्ण सूचकांक की जैसे हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण सूचकांक कौन कौन से, देखो इसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखे हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो ये है WTO। क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है, तो जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा जैसे सूचकांक की बात करें तो मैंने एक सूचकांक का वीडियो प्रॉपर डाल दूंगा मैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के अंदर भारत कौन से स्थान पे है, भारत है 63वें स्थान पे। देखो ये तो है जो मैंने दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पे भारत की रैंकिंग, और यहाँ पे दे रखा है जो इस मामले के अंदर प्रथम स्थान पे है। जैसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत 63वें स्थान पे है, और प्रथम स्थान पे कौन है, स्वीडन है, प्रथम स्थान पे स्वीडन है। इसके अलावा जैसे मानव विकास सूचकांक या कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, उसके अंदर भारत 134वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है, 134वें स्थान पे है। वहीं बात करें प्रथम स्थान पे कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 की बात करें तो इसके अंदर भारत है 129वें स्थान पे, और प्रथम है इसके अंदर आइसलैंड। इसके अलावा वर्ल्ड पीस इंडेक्स की बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की, तो इसके अंदर भारत 116वें स्थान पे है, वहीं प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसके अंदर भारत 159वें स्थान पे है, और प्रथम स्थान पे कौन है, वो है नार्वे। इसके अलावा विश्व साइबर अपराध सूचकांक की बात करें तो भारत है 10वें स्थान पे, और प्रथम स्थान पे है रूस। इसके अलावा बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की, तो इसके अंदर भारत है 176वें स्थान पे, प्रथम स्थान पे है एस्टोनिया। इसके अलावा हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक की, तो इसके अंदर भारत है 72वें स्थान पे, और प्रथम स्थान पे है सिंगापुर। इसकी आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 के अंदर भारत 30वें स्थान पे है, प्रथम स्थान पे यूएस है, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत 82वें स्थान पे है, प्रथम स्थान पे कौन है, तो वो है सिंगापुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो क्या है, क्वेश्चन नंबर दो है आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। हम बात करें यहाँ पे आगामी युग, कौन सा युग, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हमारे जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। किसके द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा यहाँ पे किसका उद्घाटन किया गया है, तो आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा जैसे हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो वर्तमान में राजनाथ सिंह जी कौन है, तो ये तो हो जाएंगे राजनाथ सिंह कौन हो जाएंगे, रक्षा मंत्री। कौन हो जाएंगे, रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह जी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह जी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे राजनाथ सिंह जी के द्वारा HAL क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर जो होते हैं एयरलाइंस, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है HAL, उसका उद्घाटन किया था किसके अंदर, मलेशिया के अंदर यहाँ पे। और इसके अलावा अमित शाह जी की बात करें तो अमित शाह जी के द्वारा कहाँ पे, अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे राम प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा, राम प्रतिमा का यहाँ पे क्या गया है, उद्घाटन किया गया है राम प्रतिमा का। इसके अलावा हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो जो रायसीना डायलॉग हुआ था, कौन सा डायलॉग, रायसीना डायलॉग, कहाँ पे होता है, नई दिल्ली के अंदर होता है रायसीना डायलॉग, ठीक है ना। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, उसके अध्यक्षता यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई रायसीना डायलॉग की, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन से पहले इसकी जो पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इससे जितने भी उन्हीं की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम, कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आयोजित 3 दिवसीय आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीन है एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारण उनसे किस शहर के लिए सभी उड़ानें क्या कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे रद्द की गई हैं। और तो कहाँ, किस एयर के द्वारा, तो ये की गई हैं तेल अवीव के द्वारा। किसके द्वारा? तेल अवीव के द्वारा यहाँ पे रद्द कर दी गई हैं सभी फ्लाइटें। किसकी? एयर इंडिया की, ठीक है ना। एयर इंडिया की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे लंदन, लंदन की हम बात करें तो ट्रैफिक इंडेक्स मामला कह सकते हैं, ट्रैफिक इंडेक्स के मामले में, ट्रैफिक इंडेक्स के मामले में ये लंदन प्रथम स्थान पे है। ट्रैफिक इंडेक्स मामले के अंदर कौन सा फर्स्ट स्थान पे है? तो ये लंदन है फर्स्ट स्थान पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के अंदर है बेंगलोर के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे बात करें हम वियना की, तो वियना की बात करें तो यहाँ पे है, यहाँ पे किसका मुख्यालय है? ओपेक का मुख्यालय। किसका मुख्यालय है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा वियना के अंदर। कहाँ पे? वियना के अंदर। यहाँ लिख सकते हो ओपेक का क्या है? हेडक्वार्टर। कहाँ पे है ओपेक का हेडक्वार्टर? तो ये हो जाएगा यहाँ पे वियना के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क की, किसकी बात कर लेते हैं? न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर किसका इसका मुख्यालय है? तो यहाँ पे आप यूएनओ को ही बात कर सकते हैं, यूएनओ, यूएनओ को, संयुक्त राज्य ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य ऑर्गेनाइजेशन ना, उसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? उसका मुख्यालय हो जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क है यूएसए के अंदर, ठीक है, अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो देखिए एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से सभी उड़ानें को तत्कालीन निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया के द्वारा बताया गया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, और क्वेश्चन नंबर चार है हाल ही में किस संस्थान ने गूगल, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किस एजुकेशन या कह सकते हैं शिक्षण संस्थान के द्वारा यहाँ पे जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, उनको मानक डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो ये दी गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यहाँ पे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानक उपाधि दी गई है। इसके अलावा बात करें जैसे जैसे आईआईटी मद्रास की, किसकी बात कर लेते हैं? आईआईटी मद्रास की बात कर लेते हैं, तो इसका प्रथम जो ब्रांच बननी है वो बनी है कहाँ पे? जांजीबार के अंदर। कहाँ पे? जांजीबार के अंदर। और जांजीबार कहाँ पे है? जांजीबार कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करके बताओ, कई बार मैंने पढ़ा दिया आपको जांजीबार की। तो ये है कहाँ पे? तंजानिया के अंदर। कहाँ पे है? तंजानिया के अंदर स्थित है जांजीबार, ठीक है ना, तंजानिया के अंदर। ये तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या खोला गया है? इसका फर्स्ट कैंपस खोला गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ की यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर कौन सा 2024 का इसके अंदर प्रथम स्थान पे कौन रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही, ठीक है ना। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, मतलब स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी की एस जयशंकर के द्वारा कहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे दोस्तों? जापान के अंदर। कहाँ पे? जापान कितने द्वीपों के ऊपर स्थित है? तो 4 प्रमुख द्वीप है यहाँ पे, कौन कौन से हैं? होन्सू, होकाइडो और कोस्यु शिकोगु, ठीक है ना। इसके अलावा जापान की बात करें तो जापान के अंदर 2 शहर है, एक है हिरोशिमा, एक कौन सा है? हिरोशिमा और एक है नागासाकी, कौन सा है? नागासाकी। इन दोनों के ऊपर क्या गिराया गया है? इन दोनों के ऊपर परमाणु बम गिराया गया। कब गिराया गया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इन दोनों शहरों के ऊपर कब बम गिराया गया था, ठीक है, तारीख बता दीजिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे बात करते हैं मैत्री पार्क की, तो मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? मॉरिशस के अंदर।
कहाँ पे, मॉरिशस के अंदर मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे है UNO का हेडक्वार्टर, अभी मैंने पढ़ा ही था, ठीक है ना, बताया था। और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी जापान के अंदर किया गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा कहाँ लगी हुई है, अमेरिका के अंदर लगी है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें गांधी की वैश्विक विरासत और शांति अहिंसा के साथ संदेश को पर प्रकाश डाला गया है। और क्वाड विदेश मंत्रियों की जब बैठक हो रही थी एस जयशंकर के द्वारा जापान की यात्रा के समय ये कार्यक्रम हुआ था, और प्रतिमा का अनावरण एडोगावा वार्ड में हुआ है, जो महत्वपूर्ण भारतीय समुदाय का घर है और जिसे लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं WEF वर्ल्ड जो इकोनॉमी फंड की, इसके द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119 देशों के अंदर भारत 39वें स्थान पे है। देखो यहाँ पे अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, वॉशिंगटन DC हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडन। अमेरिका से करंट अफेयर्स की बात करें तो स्टार्टअप्स फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा वज्रप्रहार आयोजित किया जाता है, जो मेघालय के उमरोई के अंदर आयोजित हुआ। इसके अलावा फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष स्थान पे है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यहीं पे लगाई गई है अमेरिका के अंदर, और यहाँ पे कहाँ पे तो मेरीलैंड अमेरिका के अंदर लगाई गई है। स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप में है, जिसके अंदर भारत 9वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पे रहा है, तो इसके अंदर कौन सा देश टॉप पे रहा है, तो वो रहा है यहाँ पे अमेरिका। कौन सा देश रहा है, अमेरिका यहाँ पे टॉप में रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं आइसलैंड कहाँ पे टॉप पे है, तो आइसलैंड है जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, ठीक है ना। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर कौन टॉप में है, तो वो है जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, गैप इंडेक्स के अंदर टॉप पे स्थित है आइसलैंड। वहीं पे बात करें इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो इसके अंदर भारत की स्थिति है 129वें स्थान पे, 129वें स्थान पे भारत है। इसके अलावा फिनलैंड की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, किसके अंदर, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर कौन है टॉप है, तो वो है फिनलैंड। इसके अंदर भारत किस स्थान पे है, भारत है 126वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है, भारत 126वें स्थान पे है, ठीक है ना। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं नॉर्वे की, नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे के अंदर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। नॉर्वे के अंदर कौन सा इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। और एक मिनट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कौन स्थित है सबसे टॉप है, तो वो हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है ना। और भारत का स्थान हो जाएगा 159, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी हाल ही में जो ये सूचकांक हैं पर्यटक विकास, उसके अंदर भारत 119 देशों के अंदर 39वें स्थान पे है, ठीक है ना। चलो इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सात और क्वेश्चन नंबर सात है पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक भारत ने कितने पदक जीत चुका है, भारत कितने पदक जीत चुका है अब तक पेरिस ओलंपिक के अंदर, तो वो जीत चुका है कितने, तीन जीत चुका है, जिसमें से देखो तीन कौन कौन से, एक तो ये हमारी जो निशानेबाज है प्रथम पदक जीती थी, और एक ही मैच के अंदर दो पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक के अंदर दो पदक जीतने वाली यहाँ पे हो जाएगी कौन, ये हमारी मनु भाकर, कौन हो जाएगी, मनु भाकर हो जाएगी, ठीक है ना, जो दो पदक जीती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की, किसकी बात कर लेते हैं, पेरिस ओलंपिक की विस्तार से बात कर लेते हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक कहाँ पे आयोजित हो रहा है, पेरिस ओलंपिक हो रहा है फ्रांस के अंदर, कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस के अंदर। फ्रांस कहाँ पे है, नहीं फ्रांस के अंदर कहाँ पे, तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस वहाँ पे आयोजित हो रहे हैं कौन से गेम, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक। कुल कितने गेम होंगे, कुल की बात करें
तो कुल इसके अंदर भाग लिए हैं 117 मैच। कितने? 117 मैच होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हम जैसे अगले मनु भाकर जी की बात करें, तो पेरिस ओलंपिक के अंदर महिला के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक के अंदर जीतने वाली भारतीय पहली महिला भारतीय बनकर यहाँ पे इतिहास रचा है। इसके अलावा भाकर जो मनु भाकर और सरबजोत सिंह इनकी जोड़ी के द्वारा दूसरा पदक जीत लिया गया है, वहीं तीसरा पदक जीता है स्वर्पलील कुशाल के द्वारा, ठीक है ना। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक भी जीता है। बात कर लेते हैं कि उस नंबर 8 की, हाल ही में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो राज्यपालों की बैठक हुई है और राज्यपालों के जो 52वें सम्मेलन हुआ है इसके अंदर यहाँ पे देखो ये सही है, फोटो सही है, ठीक है ना, फोटो में कोई कमी नहीं है। देखो उत्तर जो होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। और राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन जो अध्यक्षता की गई है वो की गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? ये है हमारी जो वर्तमान में इंडिया की क्या है, राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन है? ये हैं सीपी राधाकृष्णन, और जो कांप के हैं तेलंगाना गवर्नमेंट, यहाँ पे राज्यपाल तेलंगाना के क्या है, राज्यपाल। इसके अलावा बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो ये वर्तमान में कौन है? ये हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और इनके द्वारा नीति आयोग की अध्यक्षता की गई है। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। इसकी जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी क्या है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सुमन बेरी। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें सीईओ की, तो वो हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम। निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो ये कौन है? तो ये है हमारी वित्त मंत्री। कौन है हमारी वित्त मंत्री? कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक, या कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की जीएसटी परिषद की? तो वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। राष्ट्रपति किसके अंदर आता है? राष्ट्रपति किसके अंदर आता है? कौन सा अनुच्छेद के अंदर आता है राष्ट्रपति, जल्दी से बताओ। देखो राष्ट्रपति की बात करें हम, तो देखो आपको याद रखना है यहाँ पे सरला, क्या याद रखना है? सरला। सरला से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? से हो जाएगा संसद। रे से हो जाएगा राज्यसभा। रे से क्या हो जाएगा? राज्यसभा। इसके अलावा ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है ना। देखो संसद किसके अंदर है? 79 के अंदर। किसके अंदर है? 79 के अंदर हो जाएगा, 79 के अंदर हो जाएगा संसद 79, और 80 के अंदर हो जाएगा राज्यसभा, और 81 के अंदर हो जाएगा लोकसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है वो दिया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक। अनुच्छेद 52 से 62 तक कौन है? ये है राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। इससे अगला क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन हो गए ना, 8 और सॉरी यहाँ पे अब देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अगस्त 2024 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अंदर राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके अलावा राज्यपालों का 51वां सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है। बात करें हम राज्यपालों के 51वें सम्मेलन की, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर हुआ तो वहाँ पे किसने की? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की, और 52वें सम्मेलन की यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्यपालों का यह प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसकी अध्यक्षता की गई है। और अब हम जैसे बात कर लेते हैं भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने ये प्रक्रिया दी है, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता के बारे में बताया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? चौथा राष्ट्रीय हिंदी
हिंदी विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? भोपाल के अंदर। कहाँ पे किया गया है? भोपाल के अंदर किया गया है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोपाल बात करें, भोपाल किसके द्वारा स्थापित किए गए, जल्दी से बताओ, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, जल्दी से बताओ। देखो ग्वालियर की हम बात करें इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ऑप्शन की, तो ग्वालियर यूनेस्को, देखो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को यहाँ पे संगीत शहर का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा? संगीत शहर का दर्जा किसे दिया गया है? ग्वालियर को दिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं इंदौर की, तो इंदौर लगातार स्वच्छ सिटी के मामले के अंदर लगातार ये 6वीं बार अवार्ड पाया है। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा पाया गया है, ठीक है ना। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन, दुनिया में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसके अंदर है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? भारत दूसरे स्थान पर है। भारत की बात करें, भारत पहले स्थान पर किस मामले में है? तो दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। और भारत की बात करें और तो देखिए सैन्य खर्च के मामले में भी भारत फोर्थ स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन है सैन्य खर्च के मामले में? तो प्रथम स्थान पे है इसके अंदर अमेरिका। कौन है? अमेरिका इसके अंदर सैन्य मामले के खर्च के अंदर प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना। और भारत के अंदर यूनिकॉर्न अभी आज मैंने क्वेश्चन करवाया यूनिकॉर्न का, जिसके अंदर भारत के अंदर अब कितने यूनिकॉर्न बन चुके हैं? 3 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ठीक है ना। और भारत ने कई प्रमुख खनिजों में प्रभावशाली रैंकिंग के साथ खनिज उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक, चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन अगले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ करो शेयर, और इसके साथ ही आप अच्छा सा हमें एक कमेंट प्राप्त करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक पसंद आखिर तक देखोगे तो इसी प्रकार से आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर, हमारा जो YouTube चैनल है इसके ऊपर आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं अब डेली आपको एक मैथ की क्लास, जो जीरो से मैथ की क्लास मिलने वाली है, जीरो लेवल से, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जैसे इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ प्राप्त होगी? तो हमारा एक चैनल है जो टेलीग्राम चैनल, कौन सा नाम है उसका? स्टडी पॉइंट नाइन, ठीक है ना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।